मेघनाथ अथवा इंद्रजीत रावण का पुत्र था। दोस्तों, रावण बहुत बड़ा ज्योतिषी और सभी ग्रहों का स्वामी था, और वह एक ऐसा पुत्र चाहता था जो कि अजर, अमर और अजय हो। इसीलिए उसने सभी ग्रहों को 11वें स्थान, जो कि एक लाभदायक स्थान है, पर रहने का आदेश दिया। परंतु रावण की प्रवृत्ति से परिचित शनिदेव अंतिम समय पर 11वें से 12वें स्थान पर आ गए, जो कि एक हानिकारक स्थान होता है, जिसके कारण रावण को मनवांछित पुत्र प्राप्त न हो सका, और यही कारण था मेघनाथ के अंत का। शनिदेव की इस गुस्ताखी से रावण बहुत क्रोधित हो गया और उसने शनिदेव से युद्ध कर उन्हें पराजित कर दिया और कई वर्षों तक उन्हें लंका में कैद कर दिया था। जब मेघनाथ का जन्म हुआ तब वह सामान्य बच्चों की तरह नहीं रोया, बल्कि उसने एक जोरदार दहाड़ मारी थी जो कि किसी बादल फटने के समान तेज थी, जिससे प्रसन्न होकर रावण ने उसका नाम मेघनाथ रख दिया था, जिसका अर्थ होता है बादलों का स्वामी। जब वह बड़ा हुआ तो उसने शुक्राचार्य के साथ मिलकर 7 महायज्ञों का अनुष्ठान किया तथा उसने महादेव से भी शिक्षा प्राप्त की और उन्हीं से प्रशिक्षण प्राप्त कर सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञाता बना। किशोरावस्था की आयु होते होते उसने अपनी कुल देवी निकुम्बला के मंदिर में अपने गुरु से दीक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। जब मेघनाथ युवा अवस्था में पहुंचा तब उसने अपनी कठिन तपस्या के बल पर संसार के 3 सबसे घातक अस्त्र, जो कि ब्रह्मास्त्र, पशुपति अस्त्र और नारायण अस्त्र, प्राप्त कर लिए थे, और इन अस्त्रों को पाकर वह रावण से भी अधिक शक्तिशाली बन चुका था। एक बार रावण को इंद्रदेव ने बंधक बनाकर स्वर्ग में कैद कर लिया था। तब मेघनाथ ने अपने पिता के लिए देवताओं से युद्ध किया और उन्हें हराकर रावण को मुक्त करवा दिया था। वह इंद्रदेव को बंधक बनाकर लंका ले आया और कई वर्षों तक वे वहां कैद रहे। इंद्रदेव को हराने के बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसका नाम इंद्रजीत रख दिया था। मेघनाथ ब्रह्मा जी का भी बड़ा भक्त था, इसलिए उनके कहने पर उसने इंद्रदेव को मुक्त कर दिया। उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ब्रह्मा जी ने उससे वर मांगने को कहा। तब इंद्रजीत ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या वर देना संभव नहीं है, क्योंकि वे खुद अमर नहीं है। लेकिन उन्होंने इसके समान ही उसको वर दिया। वर अनुसार यदि मेघनाथ किसी भी युद्ध से पहले अपनी कुल देवी निकुम्बला का यज्ञ पूर्ण कर लेगा तो स्वयं त्रिदेव भी उसे हरा नहीं सकेंगे और न ही उसे कोई मार पाएगा। लेकिन अगर बिना यज्ञ पूर्ण करे वह कोई युद्ध लड़ेगा तो उसको सिर्फ वही व्यक्ति मार सकेगा जिसने 14 वर्ष तक ब्रह्मचार्य का पालन किया हो तथा इतने ही समय तक वह सोया न हो, और इसीलिए सिर्फ लक्ष्मण जी ही उसका वध करने में सक्षम हो पाए थे। लेकिन इतने वरदान और दिव्य अस्त्रों को पाकर मेघनाथ को अपनी शक्तियों पर घमंड हो चुका था, इसलिए वह नागलोक युद्ध करने जा पहुंचा और उसने नागलोक के राजा वासुकी को युद्ध में हरा दिया, जिसके कारण वासुकी जी ने उसे श्राप दिया था कि उनके भाई शेषनाग द्वारा उसकी मृत्यु होगी। लेकिन मेघनाथ बहुत चतुर था, इसलिए उसने पाताल जाकर शेषनाग की पुत्री नागकर्ण से शादी कर ली, यह सोचकर कि शेषनाग अपने दामाद को कैसे मार सकते हैं, जिसके कारण शेषनाग तो विवश हो गए थे लेकिन उनके अवतार लक्ष्मण जी के द्वारा ही उसकी मृत्यु हुई थी। मेघनाथ की एक और पत्नी थी जिसका नाम सुलोचना था तथा उसका एक पुत्र अक्षय कुमार भी था, जिसका हनुमान जी ने अशोक वाटिका में ही वध कर दिया था। आदिकाल से अब तक मेघनाथ ही एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसे आत्महारथी की उपाधि दी गई थी। अपने गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर वो त्रिदेवों से कई अस्त्र शस्त्र तथा वरदान लेकर उनसे भी शक्तिशाली हो गया था। स्वर्ग में देवताओं को हराकर उसने उनके अस्त्र शस्त्र पर भी अधिकार कर लिया था। रामायण के युद्ध में कुंभकर्ण के वध के बाद मेघनाथ युद्ध भूमि में उतरा। पहले ही दिन उसने सुग्रीव की पूरी सेना को हिला डाला। श्रीराम और लक्ष्मण जी भी उसकी मायावी शक्ति के सामने बेबस हो चले थे, क्योंकि उसने युद्ध अपनी कुलदेवी का यज्ञ पूर्ण करके शुरू किया था, जिसके प्रभाव से उसका रथ अदृश्य हो जाता था। मौका पाकर उसने राम और लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग कर उन्हें मूर्छित कर दिया था, जिससे शत्रु सेना में हाहाकार मच गया था। वानर सेना दोनों भ्राताओं के बचने की उम्मीद छोड़ चुकी थी, क्योंकि नागपाश से मूर्छित व्यक्ति अगले दिन का सूरज नहीं देख पाता था। लेकिन हनुमान जी के होते हुए उनके प्रभु का कोई बाल भी कैसे बाका कर सकता था। हनुमान जी तुरंत गरुड़ भगवान के पास जा पहुंचे और उन्हें लेकर आए। गरुड़ को देख नाग भयभीत हो गए तथा राम और लक्ष्मण को मुक्त कर वहां से भाग गए। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा। तो एक बार कमेंट में सब जय बजरंगबली अवश्य लिखें। बढ़ते हैं अपनी रोचक कथा की ओर। जब मेघनाथ को संदेश मिला कि श्रीराम और लक्ष्मण जी सकुशल हैं, तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। दूसरे दिन वह कुल देवी का यज्ञ पूर्ण कर युद्ध भूमि में जा पहुंचा तथा आज वह कल से भी अधिक विकराल रूप धारण कर युद्ध कर रहा था।
और युद्ध की मर्यादाओं को लांघते हुए ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग कर रहा था, जिससे दूसरे दिन करोड़ों वानर वीर गति को प्राप्त हुए तथा दूसरे ही दिन उसका लक्ष्मण जी के साथ भी भयंकर युद्ध हुआ और अपनी माया के जाल में फंसाकर उसने लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण का प्रयोग कर दिया था, जिससे वह मूर्छित हो गए। उनके मूर्छित होने पर वह उन्हें उठाकर लंका में ले जाने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन वह उन्हें उठा न सका। तब उसे एहसास हुआ कि वे स्वयं भगवान के अवतार हैं। तब तक हनुमान जी ने उसे एक लात मारी, जिससे वह दूर जाकर गिर पड़ा। एक बार फिर हनुमान जी ने संकट मोचक बनकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए तथा हिमालय से संजीवनी लेकर आए थे, जिससे लक्ष्मण जी की मूर्छा टूटी। मेघनाथ ने लंका में जाकर रावण को बताया कि श्री राम और लक्ष्मण स्वयं भगवान के अवतार हैं तथा रावण से सीता माता को लौटाने की बात कही, किंतु रावण न माना। जब उसकी माँ मंदोदरी ने उससे यह कहा कि मुक्ति की ओर हर किसी को अकेले ही जाना पड़ता है, तब उसने कहा कि पिता को ठुकरा कर यदि मुझे स्वर्ग भी मिले तो मैं स्वर्ग को ठुकरा दूंगा, तथा फिर से वह अगले दिन यज्ञ करने जा पहुंचा। लेकिन विभीषण जी की मदद से लक्ष्मण जी उसका यज्ञ भंग करने में सफल हुए तथा अगले दिन लक्ष्मण जी के भीषण बाणों से वह मारा गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भले ही कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अधर्म के मार्ग पर चलकर हमेशा नाश ही होता है। ऐसी अनोखी जानकारी और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम।